हेलो फ्रेंड्स, मेड टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। सेक्स को लेकर बहुत सी गलत फहमियां लोगों के मन में रहती हैं और अक्सर शर्म के मारे इस विषय पर खुलकर बात भी नहीं हो पाती। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्डोम से जुड़ी गलत फहमियां यानी मिसपरसेप्शंस अबाउट कॉन्डोम्स। आइए आज इस सीरीज की पहली कड़ी में बात करते हैं इस गलतफहमी पर कि अगर दो कॉन्डम एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो दोगुना बचाव होगा। इसे डबल रैपिंग भी कहा जाता है। ये सही नहीं है। दो कॉन्डम इस्तेमाल करने से एक्चुअली बचाव कम हो जाता है, क्योंकि सेक्स के दौरान आपस में रगड़ने से कॉन्डम की बनावट कमजोर पड़ जाती है और एक या दोनों कॉन्डम फट भी सकते हैं, जिससे खतरा और बढ़ेगा। कॉन्डम इस तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बने हैं। अकेला कॉन्डम भी बहुत मजबूत और ड्यूरेबल होता है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था को रोकने में 98% कामयाब होता है। दो कॉन्डम एक साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, फिर चाहे वे दो मेल कॉन्डम हो या एक मेल और एक फीमेल कॉन्डम। जी हाँ, इसी से जुड़ी एक गलत फहमी ये भी है कि कॉन्डोम सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सही नहीं है। फीमेल कॉन्डोम उतना ही कामयाब है और एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, खासकर उन लेडीज के लिए जिनके पार्टनर कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये सही है कि इसकी आदत डालनी पड़ती है, मगर जब ये सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो इसका पता भी नहीं लगता। दूसरा फायदा यह है कि मर्द को इसे सेक्स के बिल्कुल पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, कड़े लिंग पर, जबकि लेडीज इसे कुछ घंटे पहले भी यूज कर सकती हैं और उन्हें अपनी सेफ्टी पर ज्यादा कंट्रोल रह सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब से हम रोज कॉन्डोम से जुड़ी एक नई गलत फहमी दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हों या आप कुछ और सब्जेक्ट्स पर जानकारी लेना चाहें तो नीचे कमेंट्स में हमें लिख भेजिए। प्रैक्टिस सेफ सेक्स। धन्यवाद।